हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PGDCA कोर्स क्या है और इसे कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं टेक्निकल राज स्वामी। दोस्तों, PGDCA का पूरा नाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है और इसका हिंदी में मतलब है कि कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स। यह कोर्स एक साल का होता है जिसमें दो सेमेस्टर्स होते हैं जो 6-6 महीनों के होते हैं। इस कोर्स की डिमांड सरकारी और आईटी सेक्टर जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखने को मिलेगी। इसमें आपको वेब डिजाइन, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे कई सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया और सिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें आपका किसी क्षेत्र में ग्रेजुएट होना चाहिए और ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर होना चाहिए। एज की इसमें कोई विशेष लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस की। तो इस कोर्स में आपको दो तरीकों से एडमिशन मिलेगा। पहला है डायरेक्ट और दूसरा है मेरिट के आधार पर। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आपको सीधा कॉलेज जाना होगा और वहां पर फॉर्म फिल करके एडमिशन फीस जमा करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर कॉलेज में मेरिट के आधार पर एडमिशन लिया जाता है तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद ग्रेजुएशन में प्राप्त नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी होगी और उस लिस्ट के मुताबिक एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस कोर्स की फीस कितनी है। तो अगर इसकी एवरेज फीस की बात की जाए तो लगभग 20,000 से लेकर 1,00,000 तक हो सकती है और आपको कम फीस के चक्कर में किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। आपको अच्छे से अच्छे कॉलेज में ही एडमिशन लेना है। अब बात करते हैं इस कोर्स के सिलेबस की। तो इसमें आपको दोनों सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बेसिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक फाइनेंस मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स को पढ़ना होता है। और सेकंड सेमेस्टर में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर, वेब प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हर कॉलेज अपने अपने हिसाब से सब्जेक्ट्स तय करते हैं, इसलिए कॉलेज के हिसाब से सब्जेक्ट्स में थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि PGDCA कोर्स तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या। तो इसके बाद आपको सरकारी या बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में काम करने का मौका मिल सकता है। आप चाहे तो आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा कोर्स है MBA, MCA या फिर MSc। और अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, बेसिक प्रोग्रामर, टीचर, मोबाइल ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटाबेस ऑपरेटर, कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट और गेमिंग डेवलपर की जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे PGDCA कोर्स के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। तो आपको लगभग 20,000 से लेकर 40,000 तक मिल सकती है। तो ये थी इस पूरे कोर्स की डिटेल्स। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन